नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, अभी अभी एक नोटिस आया है जम्मू के वेबसाइट पे, RRB जो जम्मू है उसके वेबसाइट पे एक नोटिस आया है। हालांकि ये जो नोटिस है वो RRB जम्मू के लिए ही निकला है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो नोटिस है वो ऑल जोर फॉलो करेंगे। एक ही जो जम्मू है उसी के वेबसाइट पे ये नोटिस दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि जम्मू वाले तो ये कंडीशन फॉलो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अन्य जो जोन है उसमें भी ये कंडीशन फुलफिल होगा। ठीक है, हम बात कर लेते हैं नोटिस में एक्चुअली लिखा क्या है। देखिए, ये जो नोटिस है वो एक्चुअली शुगर जो टेस्ट होता है ना आपका, उसके रिगार्डिंग है। तो देख लेते हैं, ये नोटिस मैंने डाउनलोड कर रखा है, यहाँ पे देखेंगे कि आज ही ये नोटिस आया है। CEN नंबर 01/2018 जो आपका ALP टेक्नीशियन का जो नोटिस है उसी के रिगार्डिंग ये नोटिस आया है। इसमें लिखा हुआ है, कैंडिडेट क्लियरिंग द DV विल नीड टू प्रोसीड फ्रॉम जम्मू टू फिरोजपुर। यहाँ पे जाना है, फिरोजपुर जो हॉस्पिटल है वहाँ पे जाना है, वो तो अलग मुद्दा है, वो चीज़ें तो अलग चीज़ें हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात कर देते हैं, सेकंड में जो पॉइंट है वो है कि कौन से ट्रेन से जाना है, क्योंकि आपको तो पता है कि जम्मू कश्मीर में हालात बहुत दयनीय रहते हैं, तो वहाँ ट्रेन वगैरह भी काफ़ी कम चलते हैं। तो इस वजह से ये कन्वीनियंस के लिए ये आपको बता दिया गया है कि जम्मू बठिंडा एक्सप्रेस से आपको जाना है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अस्पताल में, कि कौन से अस्पताल में जाना है और कौन से ट्रेन से जाना है। आप अपने सुविधा के अनुसार भी जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं, कोई भी, लेकिन यहाँ पर कन्वीनियंस के लिए ये बता दिया है कि कौन से ट्रेन से जाना है। अब बात करते हैं जो आज का मुद्दा है, कि जो थर्ड पॉइंट पे दे रखा है, कैंडिडेट बीइंग टेस्टेड फॉर मेडिकल विजन स्टैंडर्ड A1 विल नीड टू ऑब्जर्व 10 आवर फास्टिंग फॉर ब्लड टेस्ट FBS चेक शुगर। अब देखिए कि ये जो आपका शुगर के लिए जो टेस्ट होगा वो कह रहा है कि A1 के लिए, तो कहने का मतलब ये है कि जो ALP वाले हैं उनका तो एकदम से स्ट्रिक्टली चेक होता है, जो ये शुगर लेवल होता है ना वो स्ट्रिक्टली चेक होता है। तो उसमें थोड़ा बहुत अगर आपका शुगर है तो अगर इनिशियल स्टेज में है तो उतना दिक्कत नहीं होता है, लेकिन एकदम से एक्सट्रीम लेवल पे शुगर चला गया है तो जो आपका जो ड्राइवर वाला पोस्ट है, ALP वाला पोस्ट है, उसमें आपको छाटा जा सकता है। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन पे, हालांकि इनिशियल स्टेज पे रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, ले लेते हैं, थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं कि चलो ठीक है, अभी इनिशियल स्टेज पे है, मतलब कि चल जाता है। लेकिन अगर एक्सट्रीम कंडीशन पे है तो ALP वाले को एकदम से आप मान के चलिए कि एक्सट्रीम कंडीशन पे 100% छाट ही देते हैं। तो ये स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, A1 जो आपका देख रहे हैं मेडिकल स्टैंडर्ड, यहाँ पे A1 लिखा है। अब बात कर लेते हैं, क्या टेक्नीशियन में भी टेस्ट होता है ये वाला? क्या देखिए, टेक्नीशियन में भी तो होता है, लेकिन इसको उतना फॉलो केयर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप टेक्नीशियन के लिए हैं एलिजिबल, आप PCM वाले हैं, आप ALP नहीं अप्लाई किए हैं, तो देखिए ये जो रिलैक्सेशन है वो कहीं ना कहीं आपको मिल सकता है। अगर शुगर वगैरह भी रहता है ना तो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है A1 कैटेगरी, लिखने का मतलब यही आपको समझना है कि A1 को बोल रहा है। अगर सभी को लेना होता तो A2 जो भी C2 तक, C3 जो भी होता है वहाँ तक लिख सकता था, लेकिन स्ट्रिक्टली यहाँ पे A1 लिखा है। तो आप समझ सकते हैं ये कहना क्या चाह रहा है, कि ALP वाले को तो ये स्ट्रिक्टली चेक करेगा, बाकी जो टेक्नीशियन वगैरह है उनको थोड़ा रिलैक्सेशन शुगर टेस्ट में मिल जाती है। मेरा कहने का मतलब यही है और नोटिस में भी यही लिखा हुआ है, हालांकि डिटेल में नहीं लिखा हुआ है, नोटिस में पूरा समझाएगा थोड़े ना कि ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, बस वो तो एक सेंटेंस लिखेगा, आपको जो समझना है वो अपने तरीके से इंटरप्रेट करेंगे लैंग्वेज को। ठीक है, तो यही एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। देखिए, आपको गड़बड़ाना नहीं है कि एकदम से कुछ नहीं होगा शुगर है तो। देखिए, मैंने इसीलिए जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे थे मैंने बताया था, आपका जो NTPC का फॉर्म है उस समय भी आपको बताया था कि आप अपने मेडिकल के अनुसार पोस्ट भरें। देखिए, अगर आप यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस आपके पास है और ALP के लिए आपने अप्लाई कर दिया है तो बिल्कुल है मेरे दोस्त कि आपको छाड़ दिया जाएगा। तो पहले मैंने कई वीडियो बनाए, हालांकि वीडियो ज़्यादा लोग देखे नहीं है तो वो मेरी गलती नहीं है, ठीक है, मैंने कोऑपरेट करने की कोशिश की लेकिन लोग उसे इग्नोर किए, तो कोई बात नहीं है, कभी ना कभी तो देखेंगे ही, तो रिग्रेट फील होगा। हालांकि कोई ना कोई आपको तो बताया होगा कि आप अपने मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार ही रेलवे में कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करें तो सबसे पहले मेडिकल खुद चेक कर लें। नहीं तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि कलर ब्लाइंडनेस है, ALP डाल दिए हैं तो छटना तो एकदम से संभव है कि वो छटिए,
नहीं। तो अगर आप पहले से जान जाते कि आपके पास कलर ब्लाइंडनेस है तो आप एएलपी भरते नहीं, टेक्नीशियन भरते, तो आपको कोई दिक्कत नहीं अभी होती। तो ये सब चीज़ें मैंने शुरू में भी बताया है और बार बार बता रहा हूँ। तो अगर आप इस चैनल से बने हुए रहते हैं तो मुझे लगता है कि भविष्य में आपको स्मूथली कोई भी जानकारी मिल जाएगी और एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक वगैरह करना है तो कर दीजिए, नहीं तो ठीक है, मजदूरी तो मिलती ही रहती है, कभी ना कभी तो आप फिर से चैनल पर आएंगे ही। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।